ये है गाइस पुराना ब्लॉक जो अपनी बाइक में से निकला है। ये न्यू वाला ब्लॉक है जेन्युइन जो हम अपनी अभी बाइक के अंदर डलाएंगे। ये अपने बाइक का पिस्टन है जो पूरी तरीके से जल चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिर्ची ऑटो राइडर। तो गाइस आज है संडे और हर संडे अपना फंडे रहता है, लेकिन भाई धूप देखो आप, ऐसी धूप में अपना संडे फंडे का बनेगा भाई। मैं हर संडे जब से गर्मी स्टार्ट हुई है मैं संडे के दिन घर से बाहर भी नहीं निकल रहा हूँ, लेकिन आज निकला हूँ, वो भी कुछ मजबूरी है। मजबूरी क्या है, अपनी जो KTM RC है भाई, आज इसके अंदर अपन को ब्लॉक डलाना है। तो ब्लॉक और पैकिंग किट में ले आया हूँ, और इसके अलावा एक ये बटन देख सकते हैं आप, ये बटन भी जो इसका काम नहीं कर रहा, तो ये पूरा स्विच भी मैं लेकर आ गया हूँ। तो ये डलाना है, अब ब्लॉक क्यों डलाना है, गाड़ी तो बढ़िया चल रही है, देख सकते हो आप, चला भी रहा हूँ, और साउंड अभी आपको चेक करा दूँगा, साउंड वगैरह सब ठीक है। लेकिन ब्लॉक में दिक्कत क्या है, मैंने एक साल पहले इसके अंदर जो है पिस्टन डलाया था, वो भी 100 नंबर का। तो उस पिस्टन से हालांकि मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, मैंने यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो देखी जिसमें ज़्यादातर मैकेनिक यही बोलते हैं कि पिस्टन सक्सेस नहीं जाता, लेकिन भाई मेरा तो सक्सेस जा रहा है। ना ही मेरी बाइक अभी तक सीज हुई है और ना ही मेरी बाइक का अभी तक पिस्टन टूटा है। फिर मैं ब्लॉक क्यों चेंज करा रहा हूँ, मैं ब्लॉक इस वजह से चेंज करा रहा हूँ भाई, इसके अंदर जो है लपक पावर बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा पावर आ रही है इसके अंदर, और उसी वजह से गाड़ी एवरेज बिल्कुल भी नहीं निकाल रही। गाड़ी एवरेज दे रही है अपना 19-20। तो इस वजह से ब्लॉक में चेंज करा रहा हूँ, और ब्लॉक में लेकर आ गया हूँ भाई, आपको दिखाता हूँ कितना है ब्लॉक, कितनी MRP है ब्लॉक के ऊपर। तो गाइस बाइक अपनी खड़ी हो चुकी है, और साउंड आपको मैं एक बार इसका चेक करा देता हूँ, कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही मेरे को बाइक के अंदर, ब्लॉक डलाने के बाद कुछ भी दिक्कत नहीं है। गाड़ी भी मैं स्टार्ट करके लेकर आया हूँ, और एक बार आपको इसका साउंड भी सुनाते हैं। साउंड वगैरह सब एक नंबर है, बस थोड़ी लपक ज़्यादा मार रही है और थोड़ा एवरेज कम दे रही है। और मैं ब्लॉक आपको दिखाता हूँ, ब्लॉक कौन सा लाया हूँ मैं, मतलब ब्रांडेड ही है, और क्या क्या चाहता है ब्लॉक के साथ। तो एक तो गाइस मैं स्विच लाया हूँ, सेल्फ स्विच बोलते हैं इसको, मिंडा कंपनी का है, यू नो मिंडा। तो एक तो ये डलाना है अपने को, ये बटन जो इसका ख़राब हो चुका है, और इसके अलावा ब्लॉक लेकर आया हूँ। ब्लॉक जेन्युइन है, KTM ब्रांड का है। MRP जो है जिससे मैंने लिया है उसने ढक दिया मुझे, 3700 यानी 3700 का मुझे मिला ये, और पूरा किट आता है इसके अंदर, पिस्टन वगैरह सब है। खोल कर दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, तो अभी तो पैक ही है, और इसके अंदर पिस्टन भी है, इधर से दिखेगा, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर पिस्टन भी है, कंप्लीट है ये पूरा। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने पास वो है ये पैकिंग गैसकेट, इस पर MRP लिखी है 341 का ही है, जेन्युइन है। तो अब जल्दी से बाइक को खुला कर इसका काम चालू कराते हैं। तो गाइस बाइक अपनी जो है पूरी खुल चुकी है, और अब सिर्फ इसका इंजन निकालना बाकी है। तो इंजन निकाल रहे हैं आप देख सकते हैं, तो ये इंजन भी नीचे आ चुका है इसका, और अब जो इंजन का ऊपर का ढक्कन खोला जा रहा है, और धीरे धीरे करके पूरा इंजन खोलेंगे, और फिर इसके अंदर से ब्लॉक निकालेंगे, ब्लॉक चेंज कर देंगे। तो इंजन का ढक्कन तो खुल चुका है, और अब इंजन के अंदर जो हड्डी आती है ऊपर जिस पर कैमशाफ्ट कसी रहती है, तो वो खोल रहे हैं, वो खोलने बाद फिर ब्लॉक बाहर आ जाएगा। तो ये पुराना ब्लॉक है गाइस, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन कैसी हो चुकी है पुराने ब्लॉक की, पूरा अंदर से जो इसका जब कूलेंट चलता है वहाँ पर जंग जंग छा चुका है, और ये पिस्टन देख सकते हैं आप, पिस्टन भी जो है पूरी तरीके से जल चुका है। और ये है गाइस बिल्कुल न्यू ब्लॉक, तो देख सकते हैं आप दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंट है, है तो सेम है लेकिन बस वो यूज्ड है, तो पुराना हो चुका है और ये बिल्कुल नया है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल जेन्युइन है, KTM ब्रांड का है। तो कुछ ऐसा है नया ब्लॉक, तो अभी डालते हैं इसके अंदर नया ब्लॉक।
तो गाइस ब्लॉक जो है अपना डल चुका है और पिस्टन भी जो है डल चुका है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर अभी पैकिंग बाकी है, तो गैस किट लगाकर और इंजन जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे ये। तो इंजन ब्लॉक लगा दिया गया है, ब्लॉक डाल दिया है और अब जो है हेड कसने की बारी है। तो अब हेड कसा जा रहा है और हेड कसने के बाद फिर अपने इंजन को वापस से बाइक के अंदर लगा दिया जाएगा। और गैस आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पुराना पिस्टन जो पूरी तरीके से जल चुका है। तो गैस फाइनली अपनी बाइक का ब्लॉक चेंज हो चुका है और इंजन जो है फिट हो चुका है। और आप देख सकते हैं नया ब्लॉक इंजन के अंदर एक अलग ही चमक मार रहा है। ओवरऑल बाइक कंप्लीट हो चुकी है, बस अब ये सेल्फ स्विच डलाना है। तो ये सेल्फ स्विच डलाने के बाद अपनी बाइक जो है पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगी। तो गाइस फाइनली अपनी बाइक जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, इंजन से लेके बॉडी तक सब फिट हो चुका है। और इंजन पे आप देख सकते हैं ब्लॉक जो है अलग ही चमक मार रहा है। ओवरऑल बाइक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसका बाइक का साउंड सुनाते स्टार्ट करके कि ब्लॉक चेंज कराने के बाद बाइक के अंदर क्या चेंजिंग आई है। तो गाइस बाइक अपनी हो चुकी है कंप्लीट एक नंबर और चल भी अब बढ़िया ही रही है, पहले से बढ़िया चल रही है भाई। लबक वगैरह भी बढ़िया ही मार रही है। अब देखना ये है कि एवरेज क्या निकालती है। और इग्निशन का बटन भी हमने नया डलवा लिया है। तो आई होप आपको अगर पसंद आई हो और वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए टाटा बाय।